दिनेश उपाध्याय, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी प्रतापगढ़। इस समय प्रतापगढ़ जनपद के सदर मोड़ पर प्रतापगढ़ आम आदमी पार्टी जिला इकाई यहाँ पर मौजूद है और एक यहाँ की पानी की टंकी लगी हुई है, ये आम जनता को पानी पीने के लिए लगाया गया है और इसमें बिल्कुल नगरपालिका अध्यक्ष प्रेमलता सिंह के बिल्कुल सामने लगी हुई है। आप लोग देखें कि इसमें कैसे जाले लगे हुए हैं, इसमें इससे पानी निकला ही नहीं, पानी नहीं आ रहा है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए इसमें पानी नहीं है, ये बिल्कुल सूखा पड़ा है। ऐसे जनपद प्रतापगढ़ की जितनी टंकियाँ लगी हैं सब में पानी आना बंद है, बिल्कुल ये जो है खाली पड़ा हुआ है, कोई भी पानी इसमें से निकलता नहीं है। जो लगाने का उद्देश्य था, जनता के खून पसीने के टैक्स के पैसे इसमें लगे हुए हैं और एक बूंद पानी इसमें से निकलता नहीं है। इसी में से नहीं, जनपद प्रतापगढ़ की अधिकांश टंकियों में आप जाइए अवलोकन करिए तो ये आपको मिलेगा कि एडवर्टीजमेंट के लिए इनकी फ़ोटो देखिए कैसे लगी हुई है। ये भाजपा वालों की फ़ोटो तो बहुत बढ़िया लगी है क्योंकि प्रचार प्रसार होता रहे, लेकिन पानी इसमें से नहीं निकलता है। ये बहुत ही घोर लापरवाही और प्रतापगढ़ वासियों की दुर्भाग्य है। देखिए कई जगह तो टंकी ही गायब हो गई है, यहाँ तो टंकी बहुत ही जो है सुरक्षा व्यवस्था इसमें की गई है जाली उली लगा के, ये यहाँ पर है बिल्कुल नगरपालिका अध्यक्ष जी के सामने ही ये टंकी लगी हुई है, एक बूंद पानी नहीं निकलता है। साथियों, जनता के पैसे का कैसे दुरुपयोग होता है, सरकारी चीज़ का कैसे जो है अनदेखी होती है। ये देखिए डिब्बे में ले आकर ये लोग पानी यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए डिब्बे में पानी रखा हुआ है, यहाँ पे अपना यूज़ करते हैं कुछ दुकानदार भाई हैं यहाँ पे। ये देखिए एक घोर लापरवाही की जा रही है, आप लोग भी इसको देखें कि जनता का पैसे का दुरुपयोग कैसे होता है। हाँ, दिनेश उपाध्याय, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी प्रतापगढ़। जय।